तो फाइनली गाइस हमारे इंडियन बैकग्राउंड 3D गेम के अंदर आ चुका है न्यू अपडेट। तो गाइस मैं आपको अपडेट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड हो चुके हैं ये मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। और हमारे गेम के अंदर अपडेट आया वो कब आया वो भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। और हमारे गेम के अंदर सीक्रेट प्लेस भी आ चुके हैं वो भी मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। उसी के साथ हमारे गेम के अंदर क्या क्या न्यू चीट कोड आए वो भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और उसी के साथ गाइस मैं आपको न्यू कार शोरूम का प्लेस भी बताने वाला हूँ और ये कार शोरूम कहाँ पर है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग ये देख लो गाइस हमारे गेम के अंदर सीक्रेट प्लेस ऐड हो चुका है और उसी के साथ गाइस मैं इस सीक्रेट प्लेस के ऊपर सारा नजारा भी ले सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कार शोरूम का लोकेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई से व्हीकल को रिस्पॉन्ड करवा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने ऑटो रिक्शा को रिस्पॉन्ड करवा लिया जिसका चीट कोड है गाइस 8370। जैसे ही मैंने इसको रिस्पॉन्ड कर लिया अब आपको घर से सीधा निकल जाना होगा और उसके बाद जैसे आप इस घर से निकल जाओगे उसके बाद गाइस आपको इस साइड में निकल जाना है जिससे आप कार शोरूम के वहाँ पर जल्दी पहुंच जाओ। तो मैंने इस शॉर्टकट को आज ही देखा है। उसके बाद जैसे आप यहाँ से उठ जाओगे उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको उतरने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑटो को फुल स्पीड में लेके जाना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर देखना है कि रैम चैलेंज कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो गाइस रैम चैलेंज मेरे सामने ही है तो आपको भगाते हुए रैम चैलेंज के उधर ले जाना है। सबसे पहले गाइस मैं आपको रैम चैलेंज कहाँ पर लेके दिखा देता हूँ कि हमारे गेम के अंदर क्या क्या ऐड हो चुका है। और उसी के साथ गाइस देख सकते हो मैं रैम चैलेंज के यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर आपको रैम चैलेंज नहीं पता तो आपको कंस्ट्रक्शन एरिया का तो पता ही होगा, उस कंस्ट्रक्शन एरिया के यहाँ पर आपको आ जाना है। उसके बाद जैसे आप कंस्ट्रक्शन एरिया में आ जाओगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा न्यू कार शोरूम। और कार शोरूम हमारे गेम के अंदर काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है ये आप लोग देख ही सकते हो। और ऑटो से मैंने इस कार शोरूम को ढूंढ भी लिया और आपको अच्छे से लोकेशन भी बता दिया। तो आप लोग देख सकते हो हमारे गेम के अंदर कार शोरूम कितना ज्यादा यूनिक है और ऑसम भी लग रहा है। उसी के साथ गाइस मैं आपको कार शोरूम में क्या क्या चीज ऐड हो चुका है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कार शोरूम के अंदर क्या क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसी के साथ गाइस हमारे गेम के अंदर जो कार शोरूम के अंदर न्यू कार है वो कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। और उसी के साथ गाइस अगर आप लोग वीडियो में नए हो तो बेल आइकन को ऑन जरूर से कर देना क्योंकि गाइस न्यू अपडेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं लाते रहता हूँ जरूर से कर देना। उसके बाद जैसे ही गाइस आप मैंने ऑटो रिक्शा का 8370 डायल किया तो मेरे गेम के अंदर ऑटो रिक्शा आ चुका है। तो आपको भी ऐसा ही चीट को डायल करना है गेम को अपडेट करने के बाद। ये नहीं कि गाइस आपने गेम को अपडेट नहीं किया और पहले से ये चीट को डायल कर रहे हो तो आपके गेम के अंदर ये चीट कोड वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले गेम को प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लो। तो आप लोग देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर में हमारे शोरूम कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद गाइस मैं आपको टॉप पे भी जाके दिखा देता हूँ कि हमारा शोरूम कैसा है। तो चढ़ने का जो सीढ़ी है गाइस अब हमारे गेम के अंदर पूरा प्लेन कर दिया गया है जिससे हम जल्दी ऊपर जा सके। और ऊपर गाइस उतना जगह नहीं है तो मैंने उतना वीडियो लंबा नहीं किया इसलिए गाइस उतना सही है, बाकी आपको गेम को अपडेट करने के बाद आप लोग देख लेना। उसके बाद गाइस मैंने इंडोवर का चीट कोड भी मैं आपको बता दिया है 2020 2022 टाइम जैसे ही डायल कर लोगे आपके गेम के अंदर इंडोवर आ जाएगा और आप इसको कलर भी कर सकते हो। तो जैसे गाइस मैं आपको बता देता हूँ इसमें कलर में जो ऐसे RGB आया तो हमारा इस इंडोवर में बहुत ज्यादा यूनिक है RGB, तो आप लोग देख ही सकते हो। उससे पहले गाइस अगर आप लोगों को स्पाइडर का चीट कोड जानना है तो मैं आपको सीक्रेट प्लेस का चीट कोड बता देता हूँ। तो आपको ऑटो को लेके आना है कार शोरूम से एकदम सीधा एयरपोर्ट की तरफ और जैसे आप गाइस एयरपोर्ट में आ जाओगे हमारे गेम के अंदर एयरपोर्ट को पूरा चेंज कर दिया गया है। बस गाइस हमारा जो बिग एरोप्लेन है ना इसे हम ड्राइव कर सकते हैं अभी भी गाइस, इसको हम ड्राइव नहीं कर सकते। बाकी गाइस जो हमारा एयरपोर्ट है पूरा चेंज कर दिया गया है और हमारे जो रियल एयरपोर्ट में बिल्डिंग रहते हैं वो हमारे गेम के अंदर ऐड कर दिया गया है। आपको अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ऊपर कैसे जाना है तो सबसे पहले इस सीढ़ी को यूज करना है और आपको जंप बटन को 3 से 2 बार क्लिक करते रहना है तो आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लोगे नहीं तो गाइस नीचे गिर जाओगे। तो जैसे ही मैं गाइस ऊपर आया हूँ आप लोग देख सकते हो आपको वैसे ही आ जाना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो गाइस टॉप पे ऐसा है कुछ लुक है और आप लोग देख सकते हो साइड में व्यू नहीं दिख रहा है क्योंकि गाइस हमारे साइड में बॉर्डर भी है इस चक्कर में हमारा व्यू नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको एक जेट पैक को मंगा लेना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको टॉप पे कैसे जाना है। तो सबसे पहले आपको 3030 पे एक जेट पैक को मंगा लेना है। जैसे ही गाइस मैंने जेट पैक को मंगा लिया है आपको बस उड़ते हुए ऊपर ले जाना है। जैसे ही गाइस मैं ले कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है नहीं तो गाइस आप टॉप से नीचे गिर जाओगे। तो गाइस आपको एकदम ऐसे ऊपर ले जाना है और एकदम बीच में लैंडिंग करवाना है। अगर गाइस आप लोग साइड में लैंडिंग करवाते हो तो आप इसके आर पार नीचे गिर जाओगे। उसके बाद गाइस मैं आपको स्पाइडर का भी चीट कोड बता देता हूँ। जो हमारे गाइस स्पाइडर का चीट कोड होने वाला है वो है गाइस 5599। जैसे गाइस 5599 डायल कर दोगे तो आपके गेम के अंदर स्पाइडर आ जाएगा और अगर आप लोग इससे बचना चाहते हो तो 9129 को यूज जरूर से कर लेना जिसका चीट कोड है गाइस इन्फिनिटी हेल्थ का। तो बाय गाइस अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर गाइस।